इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड के तहत देश सहित जिले के सभी स्कूलों को आवेदन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा सभी शासकीय व अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को सूचित करते ऑनलाइन आवेदन हेतु आईडी व पासवर्ड भी दे दिया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बच्चों के भीतर पनप रही वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए यह अभियान शासन स्तर से संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत बच्चों से इनोवेटिव आइडियाज लिए जाते हैं। इसको लेकर प्रदेश में भी स्थिति कुछ खास नहीं होने की बात सामने आ रही है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत पहले स्कूल स्तर पर बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज का चयन किया जाता है। ऐसे आइडिया जो समाज की समस्याओं का हल करे, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है। इसके बाद चयनित स्कूल जिला स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी में विज्ञान से जुड़े मॉडलों को प्रदर्शित करते हैं। दो ग्रुप में उसमें आवेदन होना है, एक मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए है और हाई नवीं और ग्यारहवीं के नवीं या दसवीं के बच्चों के लिए। तो अभी तक यहाँ मुंगेली जिले में 150 छात्रों ने अपना पंजीयन कराया है और उसमें हमको जो अप्रूवल करना था जिला शिक्षा अधिकारी के हिस्से से, हमने ये अप्रूवल कर दिया है। और उसके आधार पर जो प्राचार्यों को उनका आईडी पासवर्ड मिल गया है, अब प्राचार्यों को निर्देश हमने ये दिया है कि तत्काल उसको अपने जो लॉगिन आईडी मिला है उससे वो ओपन करें और संबंधित छात्रों का जो प्रोजेक्ट है उसको उसमें डालना है, जिससे वो अंतिम में फाइनल प्रविष्टि हो। तो ये सभी प्राचार्यों को हम संपर्क भी कर रहे हैं और जो 150 जिनके पंजीयन हुआ है, सारे से सारे बच्चों का वो आवेदन को पूर्ण कराने के लिए कार्य करने के निर्देश हमने दिए। इस स्कीम को प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के साथ भी जोड़ा गया है। बावजूद इसके स्कूल स्तर में इसको लेकर बेरुखी समझ से परे है। ऐसे में शिक्षा विभाग की इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर कड़े कदम उठाने की जरूरत समझी जा रही है। मुगेली से अविनाश कुलमित्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।